कुछ अजीब लगा क्या देखने में? यहाँ की मेट्रो में टायर होते हैं, देखो टायर है, दिख रहे क्या कैमरे में? दिख रहा होगा आई थिंक। हम अभी उतरे हैं लसाल मेट्रो पे और अब जा रहे हैं अपने घर के लिए, जो कि है वेलिंगटन स्ट्रीट में। वेलिंगटन स्ट्रीट काफ़ी पॉपुलर है, आई थिंक नॉर्थ अमेरिका की कूलेस्ट स्ट्रीट बोलते हैं उसको। नॉर्थ अमेरिका की है कि वर्ल्ड की पता नहीं। तो वही स्ट्रीट में घर है जो हम अभी देखने जा रहे हैं। राइट राइट राइट। ऊपर से कोई हाईवे वगैरह है लगता है यहाँ का, अपना नेशनल हाईवे जैसे। सामने बहुत बड़ा पार्क है यहाँ पे, यहीं कहीं घर है बस। सो देख लिया हमने ये वाला घर, 3.5 था, 1 बेडरूम हॉल किचन। कैसा लगा तुमको घर? घर अच्छा है, पहली बार मुझे घर अच्छा लगा। पहली बार? हाँ, लेकिन वही कनाडा में पहली यहां, बार यहाँ के लोगों को घर बनाना नहीं आता यार, कुछ भी घर बनाते हैं ऊपर डांस। हाँ, थोड़ा ओरिएंटेशन। बीच में किचन है, किचन के जस्ट बाजू में बाथरूम है, किचन के हाँ जस्ट बाजू में बाथरूम है, फिर उससे आगे एक बेडरूम है, फिर जहाँ किचन पे वापस आओ तो किचन से लेफ्ट लो तो एक हॉल है लंबा, पर वो हॉल अच्छा है बस, उसका व्यू अच्छा है। खिड़की अच्छा है, हॉल का व्यू अच्छा, और कुछ अच्छा नहीं होगा। खिड़की खुलती है, रुक जाओ, यहाँ रेड हो गया, पीछे आ जाओ। हॉल के अलावा कुछ अच्छा नहीं है? नहीं, हॉल और किचन, और तुम्हारा एक पीछे का कमरा, वो स्टोरेज का ही काम आएगा, बस वही करना है। और मतलब पीछे का कमरा स्टोरेज ही रहेगा तुम्हारा, हॉल और पढ़ोगे ना वहाँ पे? हॉल और किचन तुम्हारा यूज है मेन। स्टिल पढ़ोगे तो तुम भी ना वहाँ पर। ठीक है, अभी एक और एक स्टूडियो था जो थोड़ा सस्ता है, तो वो भी देख लेते हैं, हम लोग यहाँ पास में ही है, वो भी देख लेते हैं। अगर वो पसंद नहीं आएगा तो फिर ये वाला तो मैडम बोल रही है कि फाइनल कर लो, पहली बार कोई पसंद आ रहा है कुछ यार, क्योंकि जो ऑप्शंस देखे ना वो इतने ख़राब है कि अब मुझे, मैं होप छोड़ चुकी हूँ कि हमारे बजट में भी कुछ अच्छा मिलेगा, तो ये ठीक है। मतलब जो लैंडलॉर्ड्स है वो भी काफ़ी अच्छे हैं। एक्चुअली थोड़ा ओल्ड कपल है और मैडम भी बहुत अच्छी है एकदम बात बात करने में, और जो हस्बैंड है वो भी बहुत कम बात करते तो दोनों ऑपोजिट्स हैं एकदम, जैसे हमारा केस है वैसे ही है। मैडम कुछ बोलने ही नहीं देती है सर को, बस वही केस है, पर अच्छे हैं, अच्छे हैं, अच्छे कपल है। और एक्चुअली हम लोग जब देखने गए थे घर, तो ऑलरेडी कोई एक जन आया हुआ था घर देखने के लिए, बट वो हम लोगों से बात करने में इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गए कि अगले को लगा कि हो गया, उसे नहीं मिलने वाला घर, बेचारा चला गया। और उन्होंने हमको डायरेक्टली बोला कि आप लोग हमको अच्छे लगे हो, हम चाहते हैं कि अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है घर तो आप लोग जल्दी से जल्दी हमें बता के शिफ्ट कर लो, क्योंकि ऑलरेडी 4 लोग हैं जो घर देखने आने वाले, 2 तो हम थे, मतलब जो हमारा और हमारे साथ जो एक बंदा आया था वो था, और 2 लोग और हैं जो आने वाले हैं देखने के लिए। बट शी वॉज लाइक कि अगर आप लोगों को पसंद आता है तो कल आप लोग हमें फ़ोन करके एक बार कंफर्मेशन दे दीजिएगा। क्या ठंड इतनी है ना कि बोलते नहीं बन रहा है, रुक क्या जाती हो, आ रहा है तो आगे होना चाहिए, आवाज़ ही नहीं आ रही है, निकल नहीं पा रहा है आवाज़ मुँह से। आज का दिन बहुत खराब है यार, गुस्सा आ रहा है मुझे। कनाडा में यार अपने ही अपने के काम नहीं आते, बताओ इंडिया के लोग। फोटोशूट खिंचाने आए हूँ यहाँ पर, फोटोशूट खिंचाने। हाँ, फोटोशूट खिंचाने। कहाँ कहाँ से कनाडा पहुँच गए। अरे यार शादी से निकल रहा, और इनको फुल टाइम नौकरी भी चाहिए, वो बोल रहा है फोटोशूट खिंच। दिमाग खराब है, समझ
फोटो शूट खिंचाने आएंगे। यही बिल्डिंग है स्टूडियो की, लेकिन कोई फोन ही नहीं उठाता यार यहाँ पे कुछ। यहाँ पे देखो ऐसे चेंबर बने रहते हैं बीच बीच में, थोड़ा गर्म है, ऐसे कोई हीटिंग नहीं है यहाँ पे, लेकिन थोड़ा मतलब क्लोज स्पेस है तो गर्म है फिर भी। मैडम को काफ़ी ठंडी लग रही है। और हमने वो स्टूडियो वाले को फ़ोन किया है लेकिन वो फ़ोन पिकअप नहीं कर रहा है, तो आज देखना नहीं हो पाएगा मुझे लग रहा है, कल फिर से आना पड़ेगा। भाई एक टच वाले ना ग्लव्स लेने पड़ेंगे अच्छे वाले, क्योंकि ये मोबाइल निकाल निकाल के ना हाथ ठंडा हो जाता है, बिना मोबाइल के कोई काम होता नहीं है। डायरेक्शन देखना है, फ़ोन करना है, मैसेज करना है, बड़ी दिक्कत हो जाती है। एक एक हाथ यूज़ करना पड़ता है, एक हाथ एकदम ठंडा हो जाता है, दूसरा हाथ गर्म रहता है, तो फिर दूसरा यूज़ करो, एक को गर्म करो, फिर दोनों ही ठंडे हो जाते हैं एक पॉइंट के बाद। तो आज हमारा स्टूडियो देखना नहीं हो पाएगा मुझे लग रहा है, वापस ही जाना पड़ेगा हमको। वो जो बंदा है उसका मैसेज आया है कि वो काम पे निकल गया है, तो अब कल देखते हैं। कल मैं कॉलेज से आते हुए कोशिश करूँगा कि देखते हुए चले जाऊँ। तो अब यहाँ क्यों रुकी हुई? अरे देखने आई थी भाई। अच्छा इधर चल रही है सामने रोड पे। हाँ तो ये, हाँ ये रोड नहीं दिख रहा तुमको? ये हाँ फुटपाथ नहीं दिख रहा था? चौंगा लोग। अभी 7 बज चुके हैं, हम वापस घर जा रहे हैं। दूसरा घर देखना नहीं हो पाया, फिर खर्चा करके जाना पड़ेगा देख। अभी घर जाके खाना बनाते हैं, खाना बनाने के लिए भी कुछ है कि नहीं पता नहीं। बीन्स रखी हुई है ना? आज अभी मैं फ्राई राइस बनाऊंगी। जो बनाने बनाओ, हफ्ते भर से ना दाल चावल खा खा के उबता गई हूं। खा लेंगे, सब सारा लहसुन डाल के बनाती हूँ, गार्लिक फ्लेवर। हाँ बनाओ। कहाँ चलती हो? इतना दिन हो गया फिर भी अभी भी याद नहीं है। मैं अकेले आती हूँ तो अटेंटिव चलती हूँ, बाद में तुम्हारे साथ आती हूँ तो तुम्हारे घर में चलती हूँ, तुम्हारे साथ आती हूँ तो मैं सब भूल जाती हूँ। कुछ होश नहीं रहता है भाई, आज बहुत गजब ठंड है यार। आज कुछ माइनस चल रहा है ना? आए हैं अपन तब से माइनस ही चल रहा है। ऐसा नहीं है, सही में चल रहा है माइनस। एक दो स्टार्टिंग के एक दो दिन में था 1-2, वैसे तो माइनस ही चल रहा है। बहुत ठंडी है यार आज। हवा जो चलती है उसके कारण ज्यादा दिक्कत होता है नाक में गले में। मैं तो दो दो ग्लव्स पहनी हूं तो भी मेरे हाथ गर्म नहीं हो रहे, पता नहीं तुम्हारा कैसे, मेरा तो हाथ सही है, इतना ठंडा हुआ उसके बाद फिर गर्म हो गया। अभी मेरा तो पता नहीं क्या हो रहा है, तकलीफ नहीं हो रहा है।